हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कॉफ़ी की क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये कॉफ़ी की क्रीम बहुत ही ज़्यादा असरदार है आपकी स्किन को फेयर ग्लोइंग रेडिएंट बनाने के लिए। ये क्रीम आपके चेहरे पर से दाग धब्बे, सन टैन या किसी भी प्रकार के मार्क्स या ब्लेमिशेस को जड़ से ख़त्म कर देती है और आपकी स्किन को गोरा, ग्लोइंग, रेडिएंट और स्पॉटलेस बनाती है। ये एक एंटी एजिंग कॉफ़ी क्रीम है और अगर आप इसको हर रोज दिन में दो बार इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके चेहरे पर से झाइयाँ, झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट और स्पॉटलेस बनाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कॉफ़ी क्रीम को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। तो इस कॉफ़ी क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहला इन्ग्रीडियंट हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर, और यहाँ पर मैं नेस्कैफे ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बट आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी के बाद हमें चाहिए रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। उसके बाद हमें चाहिए आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप विटामिन ई ऑयल या कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए ग्लिसरिन और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो चलिए अब हम इस कॉफ़ी क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। और इस कॉफ़ी क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लेंगे। अब हम इस कॉफ़ी पाउडर में एक चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर डालेंगे और अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ और रनी मिक्सचर बन जाए। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करिए ताकि इस पेस्ट में कोई भी गांठें ना हो और ये स्मूथ और लम्प फ्री बने। और एक स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच ग्लिसरिन डालेंगे आधा चम्मच बादाम का तेल यानी कि आमंड ऑयल डालेंगे। और अगर आपके पास ये वाला तेल नहीं है तो विटामिन ई ऑयल या दो तीन विटामिन ई कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ मिक्सचर बन जाए। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम दो बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। और एलोवेरा जेल डालने के बाद अब हम इसको फिर से सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ, फ्लफी और क्रीमी पेस्ट बन जाए। और हमें इस पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये क्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी बने। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी कॉफ़ी क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये कॉफ़ी क्रीम मीडियम कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए यानी ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। और ये जेल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और फ्लफी होना चाहिए जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कॉफ़ी क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए। और इस कॉफ़ी क्रीम को स्टोर करना भी बहुत ही ईजी है। इस कॉफ़ी क्रीम को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कॉफ़ी क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। और इस कॉफ़ी क्रीम को यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ ये क्रीम थोड़ी सी लेनी है और अपने फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई करनी है और जेंटली मसाज करना है इस क्रीम को 30 से 40 सेकंड के लिए। आप इस कॉफ़ी क्रीम को अपने फेस, नेक या पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं और इसको लगाने के बाद जेंटली सर्कुलर मोशन में 30 से 40 सेकंड के लिए मसाज कीजिए ताकि ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर अच्छे से चली जाए और आपकी स्किन ये क्रीम अब्सॉर्ब करे बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए। और इस क्रीम को लगाने के बाद इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको ये क्रीम दिन में दो बार, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले लगानी है। और अगर आप इस क्रीम को ऐसे ही दिन में दो बार कुछ दिनों तक लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट और स्पॉटलेस हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी ईजी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोज़ की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।